हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज कुमार साव है और इस इंटरेक्शन में हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस के बारे में, जो राज्यसभा और लोकसभा है हमारे पार्लियामेंट की, ठीक है। तो उसके बारे में ये इंटरेक्शन है और इनका ड्यूरेशन कितना होता है, और राज्यसभा का ड्यूरेशन जो है वो इनफाइनाइटली चलते रहता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। लेकिन मेंबर्स के जो टर्म है उनका ड्यूरेशन फिक्स है, वो 6 साल है। मतलब मेंबर्स के केस में कि ये मेंबर का टर्म कितने साल तक राज्यसभा में काम करेंगे, तो उनके लिए 6 साल है। तो राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वो परमानेंटली चलते रहेगा, ये परमानेंट बॉडी है। इसका इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, इनका डिसॉल्यूशन कभी नहीं होगा, ये डिसॉल्व कभी नहीं होंगे। और ये डिसॉल्व क्यों नहीं होंगे, उनका मेन कारण है कि ना ही इन पे मतलब राज्यसभा पे, कहने का मतलब राज्यसभा पे ना ही प्रेसिडेंट का और ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्राइम मिनिस्टर, उनका इनमें कोई पावर मेंशन नहीं किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, कंटिन्यू चलता रहेगा, इन्फाइनेटली चलता रहेगा, कभी भी वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए राज्यसभा जो है कंटिन्यूइंग चैम्बर है, पार्लियामेंट का एक बॉडी है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। और हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, और हर दूसरे साल, मतलब मान लो कि अभी 2014 में इलेक्शन हो गया, 2017 में अभी इलेक्शन हुआ, मान लो कि राज्यसभा का जो इलेक्शन चल रहा था तो जो वैकेंसी हुआ था उसको फिल कर दिया गया, तो अभी 17 चल रहा है, 2017-18-19 में मतलब दूसरे साल फिर से इलेक्शन होगा जो वैकेंसी हुआ है, और हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स के रिटायर हो जाएंगे। तो 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, तो 250 मेंबर्स में 1/3 रिटायर हो जाएंगे, 1/3 मींस 83-84 के अराउंड, ठीक है। तो इतने मेंबर्स जो रिटायर हो गए हैं उनके कारण जो वैकेंसी हुआ राज्यसभा में, तो फिर से रिलेक्शन होता है और उनका वैकेंसी उसके द्वारा फिल किया जाता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है एक सिस्टम होता है जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से उसको फिल किया जाता है, और कुछ सीटों को प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जो होता है, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट को पार्लियामेंट के सीट के लिए, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी 12 सीट जो होता है वो फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस से उनको फिल किया जाता है। तो ये हो गया, और द रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन फॉर एनी नंबर्स ऑफ टाइम। तो जो रिटायरिंग मेंबर्स है और फिर से एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए और नॉमिनेशन के लिए। मान लो कि आप रिटायर हो गए तो आप फिर से री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप नॉमिनेशन हो करके गए थे, 12 जो सीट होता है राज्यसभा के केस में, तो आप फिर से री नॉमिनेट होने के लिए फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम एलिजिबल हो। तो ये भी चीज़ राज्यसभा के केस में, और कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म फिक्स किया नहीं था कि ऑफिस ऑफ मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो कितने सालों का होगा, तो फिर वैकेंसी होगा कैसे, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया था पार्लियामेंट पे, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक लॉ बनाया, उसने एक एक्ट पास किया। पार्लियामेंट ने क्या एक्ट पास किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, वो ये बताता है कि हर 6 साल में जो टर्म ऑफ ऑफिस है राज्यसभा का शुड बी 6 ईयर्स, मतलब हर 6 साल में उनका वो, जैसे कि आप री इलेक्शन होकर के गए हो या इलेक्ट होकर के गए हो या री इलेक्ट होकर करके गए हो या नॉमिनेट होकर के गए हो, हर 6 साल में वो सीट को वैकेट करना होगा, मतलब खाली करना पड़ेगा, मतलब आप ऑटोमेटिक आपका सीट वहाँ आपका ख़त्म हो जाएगा। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल द टर्म ऑफ मेंबर्स चूजन इन द फर्स्ट राज्यसभा। और ये एक्ट जो बना था, मतलब जिस समय ये एक्ट बना वो एम्पावर किया था पहला जो राज्यसभा बना था, जो हमारा गणतंत्र बना था जब 26 जनवरी 1950 में, तो उसके बाद जो फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1952 में, तो उसके लिए ये बना था कि प्रेसिडेंट किसको कटेल करेंगे, किनका सीट को किनके ड्यूरेशन को कटेल कर सकते हैं, उनके लिए बना था, उनका प्रोविज़न इसमें दिया रखा है। इन द फर्स्ट बैच
इट वॉज डिसाइडेड बाई द लॉटरी सिस्टम हु शुड रिटायर। तो लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया गया था कि किसको रिटायर होना है, तभी जब एक्ट नहीं बना था उसके केस में, ठीक है। फर्दर द एक्ट ऑल्सो ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन्स टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेम्बर ऑफ द राज्यसभा। तो ये फर्दर ऑथोराइज करता है कि ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट जो है प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में रिटायर होगा, कि प्रोविज़न इसका दे रखा है, ठीक है, कि 6 साल हुआ और कौन रिटायर होंगे उसका ऑर्डर ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट को दे रखा है, पार्लियामेंट ने उनका पावर दे रखा है। और ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, और ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कहने का मतलब है कि लोकसभा कितने समय तक चलेगा। तो जनरली लोकसभा जो है इसका जनरल टर्म 5 साल है। 5 साल क्यों है, क्योंकि 5 साल तक कोई भी मेंबर्स इसमें राज्यसभा जो है हाउस ऑफ पीपल का रिप्रेजेंटेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं। तो एक तरह से जो गवर्नमेंट है, एक तरह से जो हाउस ऑफ पीपल कहने का मतलब लोकसभा है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, इनका टर्म 5 साल का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। तो जो पहला मीटिंग होता है जनरल इलेक्शन के बाद, मतलब जस्ट इलेक्शन हुआ और पहला मीटिंग हुआ, तब से लेकर के 5 साल तक ऑटोमेटिकली ये डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि मान लो कि 2014 में इलेक्शन हुआ था, तो 2014 में इलेक्शन के बाद से 2019 तक में 5 साल होगा, तो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली ये डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा और फिर जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तब जाके ये फिर कंटिन्यू चलेगा, फिर 5 साल के बाद फिर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका सिस्टम है। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिजॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को ऑथराइज किया गया है, उनको पावर दिया गया है कि 5 साल होने के पहले भी आप उसको डिजॉल्व कर सकते हो। मतलब प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, उसको पावर दिया गया है, वो कभी भी इसको डिजॉल्व कर सकते हैं इवन बिफोर द टर्म जो कंप्लीट होने का, 5 साल के पहले भी, ठीक है। एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है भाई, उन्होंने डिसॉल्व क्यों किया। अब प्रेसिडेंट को क्या लगा कि वो डिसॉल्व कर दिया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट पे। मतलब कौन चैलेंज नहीं कर सकता, इनको चैलेंज नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में उसको। फर्दर द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या है, अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ, देश में आपातकालीन हिंदी में बोलेंगे तो आपातकालीन अगर लगा हुआ, तो उस केस में भी इसको डिसॉल्व, इनका टर्म बढ़ सकता है। मान लो कि लोकसभा 2019 में कंप्लीट होने वाला 5 साल, और उस समय कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो उस केस में ये 1 साल तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ सकता है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। और 1 साल तक बढ़ने के बाद अगर मान लो कि कंटिन्यू इमरजेंसी चलता रहा, तो वो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम बढ़ सकता है, मतलब जब तक इमरजेंसी चलता रहे। अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गया कंट्री से, मतलब इफ़ द इमरजेंसी हैज़ टू बी सीज्ड टू ऑपरेट, मतलब जब इमरजेंसी जो कंट्री में लगा हुआ है 2019 में, अगर केस का बात करें, अगर वो 2020 में वो कंप्लीट हो गया, इमरजेंसी मतलब ख़त्म, देश से हटा लिया गया, तो जो एक्सटेंशन किया हुआ है लोकसभा का 1 साल तक, वो 6 महीना तक ही रहना चाहिए। 6 महीना तक में उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा अगर 5 साल से ज़्यादा बढ़ गया उस केस में। तो ये था ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा का कंप्लीट, जो मैंने कंपाइलेशन किया हुआ है rajyasabha.nic.in से, तो उसका कंपाइलेशन पे ये था, और विकिपीडिया का भी कुछ इन्फॉर्मेशन था, पूरा ही ऑथेंटिक है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर दो, तो आपको क्लियर कर दूंगा, या फिर मेरे पास जो लिंक वो डाउट को क्लियर करने के लिए, या मेरे पास जो PDFs है, मेरे पास जो स्कैन नोट्स है मैंने बनाया हुआ है कुछ पर्पज़ के लिए, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड। तो ये आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप वोट करते हो, और आपको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से अडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है
उसके लिए आपको वोटिंग पे वोटिंग के लिए एलिजिबल हो आप, तो आपको ये प्रोसेस जानना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा क्या है, कैसे काम करता है। और ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है कि इस कंट्री के हर व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देना कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और क्या करंट से रिलेटेड है या फिर आपको उसे कुछ बेनिफिट मिल सके, तो इसका पर्पस है इस इनिशिएटिव का। तो इस इनिशिएटिव से आप मैक्सिमम आप फ़ायदा लो, मैक्सिमम बेनिफिट आपको होना चाहिए, उसका कोशिश रहेगा। और भी ऑसम से कोर्स रहे, और भी ऑसम से इस इनिशिएटिव में मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप भी उसको देख लो, तो उससे भी आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस इनिशिएटिव को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।